काफी लोगों के मन में अभी भी क्वेश्चन है कि क्या हम येस बैंक बाय कर ले। काफी लोगों ने ऊपर के प्राइस पे येस बैंक को बाय किया है और लास्ट क्लोजिंग प्राइस वॉज अराउंड 15 रुपीज आई गेस। सो उन लोग को अभी भी क्वेश्चन है कि क्या हम येस बैंक को इतने नीचे के प्राइस पे एवरेज आउट कर ले। सो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। बट मुझे आपसे कहना है कि मैं भी येस बैंक में इन्वेस्टेड हूँ और अराउंड 100 के प्राइस पे मैं भी फंसा हुआ हूँ। लास्ट क्लोजिंग प्राइस मैंने अभी आपको बताया। वी ऑल आर ह्यूमंस और स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाएगी। आई वॉज लकी कि जब मैं बिगिनर था तभी मैंने ये गलती की और ज्यादा इन्वेस्टेड कैपिटल नहीं था मेरे पास। सो जो लॉस हुआ है मेरा वो भी मिनिमम लॉस है। द मेन थिंग इज ये गलती करने के बाद मैंने काफी चीजें सीखी जो मुझे ऑफकोर्स हेल्प करेगी एक गुड इन्वेस्टर बनने के लिए आगे जाकर। सो वो सारी गलतियां और उन गलतियों से सीखी हुई सारी बातें मैं इस एपिसोड में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो आप वो गलतियां ना करो। एंड वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। क्या हमें येस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए ये प्राइस पे? क्या 15 रुपीज के प्राइस पे येस बैंक वैल्यू प्रोवाइड करता है और क्या 15 रुपीज से येस बैंक रिकवर होगा या नहीं आगे जाकर? माय नेम इज प्रतीक और चलिए पहले जान लेते हैं कि क्यों मैंने येस बैंक में इन्वेस्ट किया था अराउंड 100 रुपीज के प्राइस पे और क्या गलतियां मेरी रही थी येस बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो फर्स्ट थिंग, मुझे लगा कि येस बैंक एक वैल्यू बाय हो सकता है 100 रुपए के प्राइस पे जब मैंने इन्वेस्ट किया था, बिकॉज द येस बैंक वॉज सो ह्यूज, 1000+ ब्रांचेस एंड 1800+ ATMs ऑल ओवर इंडिया विद अ ग्रेट कस्टमर बेस एंड 20 लाख करोड़ ऑफ लोन बुक। सो फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू और एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू कोई प्रॉब्लम नहीं थी येस बैंक में, बट द प्रॉब्लम वॉज विद देयर मैनेजमेंट। जो राणा कपूर साहब थे उन्होंने जो लोन बांटे दैट वॉज ओके, बट जो बैड लोन्स थे, जो खराब लोन्स थे, जो लोन के पास से उनको पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा था, वो लोन छुपा के रखे थे भाई साहब ने। सो आरबीआई ने एग्जामिनेशन किया एंड दे गॉट टू नो कि येस बैंक अपने एनपीएस छुपा रहा है। जो इतना बड़ा बैंक है ये बैंक करप्ट नहीं हो सकता, ये डिफॉल्ट नहीं हो सकता और गवर्नमेंट एंड आरबीआई श्योरली ये बैंक को फेल नहीं होने देंगे। एंड ऑल्सो आई थॉट कि ये एक टेम्पररी इशू है, धीरे धीरे करके रिकवर होने लगेगे लोन और आई थिंक आफ्टर 1 or 2 years ये येस बैंक एक अच्छे पोजीशन में रहेगा यहाँ से। और इसी सोच के साथ मैंने अपने कैपिटल का अराउंड 5% येस बैंक में इन्वेस्ट कर दिया और मैं रेडी था कि ये जो 5% जा रहा है मेरा पैसा वो एक रिस्की बेट है और यहाँ से मेरे रिटर्न्स जीरो भी हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आई वॉज ग्रीडी कि नहीं, येस बैंक फेल हो ही नहीं सकता, ये बहुत सस्ता मिल रहा है राइट नाउ और आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने क्या गलती करी बिफोर इन्वेस्टिंग इन येस बैंक? द नंबर 1 मिस्टेक आई थिंक इज मैंने मैनेजमेंट पे इतना ध्यान नहीं दिया। द मैनेजमेंट वॉज बैड बिफोर, बट जो न्यू मैनेजमेंट था वहां पे मैंने थोड़ा एनालाइज करने में गलती कर दी। जो सेकंड मिस्टेक है मेरे ख्याल से जो मैंने की बिफोर इन्वेस्टिंग इन येस बैंक इज मुझे लगा कि जो मैनेजमेंट है वही एक प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं था। मैनेजमेंट तो प्रॉब्लम था ही, प्लस जो उनका बिजनेस है, जो उन्होंने लोन बांटे हैं वो भी एक प्रॉब्लम है। और इसी के ऊपर मेरी थर्ड मिस्टेक जो है वो है कि मैंने बिजनेस को समझने में ज्यादा जल्दबाजी की, बिकॉज द प्राइस वॉज सो अट्रैक्टिव अकॉर्डिंग टू मी और उसी की वजह से आई वॉज इन हरी, आई वॉज इन ग्रीड एक्चुअली कि इन लोगों को इन्होंने लोन बांटे वो समझने की मैंने कोशिश ही नहीं की। एंड दैट्स इट, आई थिंक दीज आर माई मिस्टेक्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन येस बैंक एंड यू शुड नॉट डू इट। ध्यान रखो यार, पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं और ऐसी फालतू कंपनी में इन्वेस्ट करके जो पैसे जाते हैं तो दिल से बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। लेट्स डिस्कस जो ड्यूरिंग फेज था जब मैंने इन्वेस्ट कर दिया येस बैंक में और फिर जब मैं होल्ड कर रहा था येस बैंक को, जो मैं अभी भी कर रहा हूँ और अभी तो 3 साल की FD है विथ नो रिटर्न, एक्चुअली माइनस रिटर्न, बट दैट्स थिंग क्या ही कर रहे हैं अभी। मतलब आई हैव नोटिस कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर म्यूचुअल फंड्स और FIIs अपने स्टेक डिक्रीज कर रहे थे येस बैंक में और फिर भी हम थे अड़े हुए कि भाई हमसे तो कोई मिस्टेक्स हुई नहीं है। सो 100 रुपए के आसपास था येस बैंक जब मैंने इन्वेस्ट किया था और जब मुझे पता चला कि म्यूचुअल फंड्स और FIIs अपने स्टेक सेल कर रहे हैं तब येस बैंक था अराउंड 70-80 के आसपास और तब भी अगर मैं इन्वेस्ट करके निकल गया होता तो आज मुझे कम लॉस होता। बट ठीक है, द सेकेंड थिंग जो मुझे लगता है कि मैंने जो गलती की है येस बैंक में जब मैं इन्वेस्टेड था तब, जो लोन उन्होंने बांटे गए थे, येस बैंक ने हर एक खराब कंपनी को लोन दिए हुए हैं जैसे कि ALSS, DHFL, जेट एयरवेज, कॉक्स एंड किंग्स, CCD, आरकॉम, रिलायंस कैपिटल एंड मतलब एंडलेस लिस्ट है और ये सभी नाम सामने आ रहे थे फिर भी मैं इन्वेस्टेड ही था येस बैंक में अराउंड, मतलब वही प्राइस चल रहा था और स्टिल आई वॉज होल्डिंग इट इंस्टेड ऑफ जस्ट सेलिंग इट ऑफ।
एंड बाय दिस टाइम मेरा जो एक्सपेक्टेशन था येस बैंक से वो रिटर्न्स का नहीं था, मेरा जो एक्सपेक्टेशन था येस बैंक से वो था ब्रेक इवन का, कि कुछ भी होके ब्रेक इवन हो जाए और ये मैं निकल जाऊँ येस बैंक। एंड इससे मैंने सीखा कि जब ये थॉट आ जाए ना माइंड में कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो रिटर्न्स से डायरेक्ट ब्रेक इवन पे आ जाए कि बस निकल जाओ, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, सो आपको इमीडिएटली वो कंपनी सेल कर देनी चाहिए। द थर्ड मिस्टेक आई थिंक इज राणा कपूर साहब, जिनको पता है कि क्या पाप किए हैं उन्होंने ये बैंक में, किन किन लोगों को किन किन कंपनीज को इन्होंने लोन बांटे है, वो आदमी जिनको बैंक का ऊपर से नीचे एबीसीडी सब पता है, वो आदमी अपने शेयर्स बेच के भाग रहा है। उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी के पास नहीं है कंपनी के बारे में, और वो अगर आदमी अपने शेयर्स बेच के भाग रहा है कंपनी में से, सो आपको वो कंपनी होल्ड नहीं करनी चाहिए। बट जब ये ड्यूरेशन था तब हम भाई अड़े हुए थे कि भाई हम तो भाई राइट है, प्रमोटर को भाई नहीं पता, हमें पता है क्या चल रहा है बैंक में, हमें सब नॉलेज है बैंक के बारे में, हम ही तो है बैंक को चलाने वाले, और बस। दिस वॉज द थर्ड थिंग जो मैंने सीखी कि अगर प्रोमोटर्स अपने शेयर्स बेच रहा है कंपनी में से, सो आपको वो कंपनी से दूर रहना चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5th मार्च 2020 को आरबीआई ने अनाउंस किया कि येस बैंक पे 50,000 रुपीज की विड्रॉल लिमिट लगाई जा चुकी है, और जो कस्टमर्स है जो डिपॉजिटर्स है येस बैंक के वो 50,000 से ज्यादा अमाउंट येस बैंक में से विड्रॉ नहीं कर सकते। एंड दिस वॉज द पॉइंट जब मुझे मतलब श्योर हो गया कि अघोर पाप हो चुका है हमसे। बट देन जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं येस बैंक के, वो रिजल्ट देख के आई वॉज लाइक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सो एनीवेज गाइस हम डिस्कस करते हैं कि क्या सीख मिली हमें आफ्टर इन्वेस्टिंग इन येस बैंक। द थिंग आई लर्न आफ्टर इन्वेस्टिंग इन येस बैंक इज दैट लैंडिंग बिजनेस इज वेरी फ्रेजाइल। लोन देना बहुत ही इजी है बट लोन को रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है जब बैंकिंग की बात आती है तब। एंड अगर आप कंपनी के बिजनेस को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो इन एंड आउट, तो आपको वो कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए कंपनी के बारे में। येस बैंक के बारे में मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल लोन कितने हैं जो खराब है, और कौन कौन सी कंपनी को लोन बांटे गए हैं, और कितने एनपीए आगे जाके बढ़ सकते हैं बैंक के। द सेकेंड थिंग आई लर्न, अगर मैनेजमेंट में इतना सा भी इशू है ना तो कंपनी को देखो ही मत। मैनेजमेंट ऑनेस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और मैनेजमेंट में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो वो कंपनी का हाल येस बैंक जैसा हो सकता है सूनर और लेटर। सो मैनेजमेंट एनालिसिस बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डीपली करना चाहिए, ये मैंने सीखा। और ये आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एक थरो और डीप एनालिसिस मैनेजमेंट का कर लो, और अगर 100% भरोसा है कोई कंपनी के मैनेजमेंट पे तो ही वो कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचो। एंड अगर थोड़ा सा भी डाउट हो मैनेजमेंट में, देन इट इज अ क्लियर नो। एंड द फाइनल टेक अवे आई थिंक आफ्टर इन्वेस्टिंग इन येस बैंक इज कैपिटल एलोकेशन। आपको एक ही कंपनी में अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा अलोकेट नहीं करना चाहिए, भले ही वो कंपनी में आपको कितनी ही ज्यादा वैल्यू और कितनी ज्यादा चीप लगती हो आपको वो कंपनी। एक थ्रेशोल्ड रखना है, मेरे लिए वो थ्रेशोल्ड 10% है। 10% से ज्यादा मैं अपने पोर्टफोलियो का किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बट आपको एक थ्रेशोल्ड अपने लिए सेट करना जरूरी है, और उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा एक कंपनी में अपने पोर्टफोलियो का आपको अलोकेट नहीं करना चाहिए पैसा। एंड स्टेइंग विद क्वालिटी कंपनीज इज मच मोर प्रॉफिटेबल देन स्टेइंग विद दीज काइंड ऑफ क्रैप कंपनीज। सो नाउ द फाइनल क्वेश्चन, क्या हमें येस बैंक में ये प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना है? Stop it. Get some help. इतनी खराब चीजें हमने डिस्कस कर ली येस बैंक के बारे में, फिर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है क्यों इन्वेस्ट करना है? एंड द सेकंड क्वेश्चन, क्या यहाँ से येस बैंक का प्राइस रिकवर हो सकता है आगे जाकर? एंड शुड यू एवरेज इट और नॉट? एंड द आंसर फॉर मी इज क्लियर नो। ये प्राइस पे या फिर किसी भी प्राइस पे येस बैंक का जो बिजनेस है वो पूरा मेस्ड अप हो चुका है ये पॉइंट पे, और इक्विटी इतनी डाइल्यूट हो चुकी है येस बैंक की क्यूआईपी से एंड एफपीओ से एंड ऑल अदर थिंग्स, जो येस बैंक को एक क्रैप कंपनी बना देती है मेरे हिसाब से नाउ। एंड द सेकंड क्वेश्चन, क्या यहाँ से येस बैंक का प्राइस रिकवर हो सकता है आगे जाके? सो आई थिंक बिजनेस में तो कुछ रखा नहीं है येस बैंक के, सो प्राइस भी मेरे हिसाब से कहाँ तक ही जाएगा यहाँ से। मेरे हिसाब से तो बस छोड़ दो यार अभी, मतलब लॉस हो गया, सीख लो अपनी गलतियों से और बस आगे बढ़ जाओ। आई वॉज लकी कि इट वॉज माई बिगिनिंग एंड तब मेरे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, सो जो लॉस हुआ है मेरा वो भी एक मैनेजेबल लॉस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं देखूँ तो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ सीखने मिला हो आपको ये वीडियो से, एंड आई रियली होप कि आप ये गलतियां ना करो स्टॉक मार्केट में। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, जहां पे आपको हमेशा एक कोट मिलेगा ये वीडियो को जो रिप्रेजेंट करता हो, जो कॉम्प्लीमेंट करता हो। और अगर डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया है दोस्तों, सो उससे थोड़ा सा नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।